अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू रेसिपी, होममेड डोनट्स। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के दिए हुए आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है जिसको मैंने छान लिया था, 1/2 कप मैंने दूध लिया है जिसको नीम गरम कर लिया था, यहाँ पर 1 अदद अंडा लिया है, 1/2 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून मैंने ईस्ट ली और 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अब ये सारी चीज़ों को मैं एक बाउल में डालूंगी। पहले मैं दूध डालूंगी, दूध के अंदर मैं चीनी को डिसॉल्व कर लूंगी। वैसे वो पाउडर ही है लेकिन फिर भी आप चीनी को दूध में पहले डालिएगा ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, कोई लम्स ना बने। चीनी डालने के बाद अब मैं इसके अंदर अंडा शामिल कर दूंगी और अंडे को अच्छे से बीट कर लूंगी। अंडा बीट हो गया। अब जो मैंने 1 टेबल स्पून ईस्ट ली थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसको 5 मिनट तक अच्छे से बीट करूंगी। मिनट हो गया मुझे अच्छे से बीट करते हुए। अब जो मैंने नमक लिया था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और शामिल करने के बाद जो मैदा लिया था उसको थोड़ा थोड़ा कर कर मैं इसमें शामिल करती रहूंगी। हैंड मिक्स की मदद से मैं इसको मिक्स करती रहूंगी ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने। मैं बैजेस की फॉर्म में मैदा डाल रही हूँ और आप लोग भी बैजेस की फॉर्म में जो है मैदा डालिएगा, क्योंकि एक साथ आप मैदा डाल देंगे तो फिर वो गुठलियाँ बन जाएंगी। देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, अब जितना मैदा बचा था वो मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको हाथ से घून लूँगी। अब मैं इसका सॉफ्ट सा डो घून लूँगी। डोनट्स आप घर में बनाएं ये बहुत अच्छे बनते हैं, आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। मेरे घर वालों को ये बहुत अच्छे लगे थे, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने घुल लिया है इसका सॉफ्ट सा डो। इस डो में ईस्ट का इस्तेमाल हुआ है तो डो को राइस होने के लिए मैं एक एयर टाइट कंटेनर में इसको रख दूँगी। मेरे पास ये वॉल्स का कंटेनर था तो मैंने इसको डो को राइस होने के लिए रख दिया है। आप चाहें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में 1 घंटे के लिए इसको राइस होने के लिए रख सकते हैं। 1 घंटा हो गया है, डो राइस हो गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से डो कितना अच्छे से राइस हुआ है। अब मैं इस डो को निकाल लूँगी और 1-2 दफ़ा बस मैं इसको हल्के हाथ से घूल लूँगी और इसके मैं डोनट्स तैयार करती हूँ। मैंने मैदा डस्ट कर लिया है यहाँ पर। अब जो मैं इस डो को बेल लूँगी, जिस तरह से रोटी बेलते हैं इसी तरह से मैं बेलूँगी, लेकिन रोटी तो हम बहुत पतली बेलते हैं, ये जो डो है मोटा बेलेगा, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी। एक साथ मैं पूरा डो बेल लूँगी। थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं, आपने इतना ही थिक रखना है। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा कैप ले लिया है। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप डोनट कटर का भी इस्तेमाल करें, हर किसी के पास डोनट कटर नहीं होता, तो मैंने एक बड़ा कैप ले लिया है और इसकी मदद से मैं सारे डोनट्स को कट कर लूँगी। मैंने सारे बड़े डोनट्स को कट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा कैप लिया है और उसको मैंने बीच में रख कर कट कर लिया है। देखें डोनट बनकर तैयार हो गए। इस तरीके से मैं सेंटर में इसको रख कर सारे डोनट्स को कट कर लूँगी।
सारे डोनट्स को मैंने इसी तरीके से कट कर लिया था। अब जो सेंटर का पार्ट है उसको मैंने रिमूव कर लिया। यहाँ पर एक ट्रे पर मैंने मैदा डस्ट कर दिया था और सारे डोनट्स को मैं इस पर रख दूंगी और 10 मिनट्स के लिए मैं इसको राइस होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं ग्लेज बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर ली है और 1 टेबल स्पून मैं दूध लूँगी। थिकनेस मैं आपको बता दूँगी कैसे रखनी है, लेकिन अगर आप कम या ज़्यादा भी बनाना चाहते हैं तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून शुगर का इस्तेमाल किया है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून दूध की शामिल कर दी है और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर दूध में शुगर अच्छे से डिजॉल्व हो गई है। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट है तो आप उसको मेल्ट कर भी डाल सकते हैं। चॉकलेट सिरप डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा ही डाला है। और इसको डालने के बाद मैं 1/2 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर के शामिल करूँगी। थिकनेस आप इसकी चेक कर सकते हैं, हमने इतना ही थिक रखना है। ज़्यादा रनी मत कीजिएगा वरना फिर वो डोनट पर से बह जाएगा।1/2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर इसमें शामिल कर दिया और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करके मैं एक साइड पर रख दूँगी। मैं दूसरा ग्लेज तैयार कर रही हूँ जो मैंने शाइन देने के लिए बनाया है। अगर आपके पास व्हाइट चॉकलेट है तो आप उसको मेल्ट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें कलर शामिल करूँगी। आप चाहें तो व्हाइट चॉकलेट के अंदर भी ज़रा सा कलर ऐड कर और आप इसको कोट कर सकते हैं डोनट्स पर। मुझे सिर्फ शाइन चाहिए थी तो मैंने इसका ग्लेज तैयार करा है। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 1 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस डाला है। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो स्किप कर दें। इसी तरीके से मैं तीसरा ग्लेज भी तैयार कर लूँगी जिसमें मैंने येलो कलर का इस्तेमाल किया है और 1 ड्रॉप मैंने मैंगो एसेंस के डाले हैं। अगर आपके पास मैंगो एसेंस भी नहीं है तो आप उसको भी स्किप करें। अगर आपके पास चॉकलेट है तो आप चॉकलेट का इस्तेमाल करें। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें और अपने डोनट्स को बहुत अच्छे से डेकोरेट करें। 10 मिनट हो गए थे डोनट्स को रखे हुए। इतनी देर में मैंने ग्लेज तैयार कर लिया था, ऑयल को मैंने गरम कर लिया था और गरम करने के बाद मैंने इसमें डोनट्स डाल दिए हैं। डोनट्स डालने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी। मैंने ज़्यादा डीप नहीं फ्राई किया है, शैलो से थोड़ा ज़्यादा ऑयल रखा है और एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको पकाऊंगी और साइड चेंज कर दूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है और मैंने साइड चेंज कर दी है। आपको इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। देखें, आप देख सकते हैं मैंने कितना ऑयल लिया है। आप भी इतना ऑयल लें और आराम से आपके डोनट्स फ्राई हो जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें आप इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। मैं इसी तरीके से सारे डोनट्स को फ्राई कर लूँगी एट अ टाइम। आपने 2 ही डोनट्स डालने हैं, अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप 3 भी डाल सकते हैं। और मैं डोनट्स को निकाल लिया है। माशाल्लाह से देखें डोनट्स कितने अच्छे से फ्राई हो गए। कलर आप देखें कितना अच्छा है इनका और आप इनकी सॉफ्टनेस चेक करें। ये देखें माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट बने। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बिल्कुल दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। अब जो मैंने चॉकलेट वाला ग्लेज बनाया था उस ग्लेज में मैं डोनट्स को डिप कर रही हूँ। देखें, मुझे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ शाइनीनेस चाहिए थी। देखें, मैंने सारे इसमें ग्लेज में डोनट्स को डिप कर दिया है।
अब मेरे पास स्प्रिंकल्स थे तो मैंने इस पर स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं। अगर आपके पास स्प्रिंकल्स नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आप इसको स्किप कर दीजिए। और अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तो आप ऊपर से ड्रिजल कर दीजिए चॉकलेट सिरप। किसी के पास स्प्रिंकल्स नहीं होते हैं तो देखिए मैंने एक डोनट्स पर चॉकलेट सिरप को ड्रिजल कर दिया है। आप इस तरीके से भी इसकी सर्विंग कर सकते हैं। आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उससे अपने डोनट्स को डेकोरेट करें। किसी के पास चॉकलेट सिरप भी नहीं होता है, जो मैंने ग्लेज बनाया है शुगर पाउडर का, आप डोनट्स को उसमें डिप करें। और आपके पास नट्स मौजूद हैं तो आप उसको क्रश कीजिए और ऊपर से नट्स डाल दीजिए। ये बाहर से बहुत महंगे मिलते हैं, आप घर में बनाएं और घर वालों को खुश करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।